हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे झटपट वेज पुलाव। तो यहाँ पे हमने लिया है बासमती राइस। इस मेजरमेंट से 3 कप हमने बासमती राइस लिया है। इसे हमने अच्छे से वॉश करना है और अच्छे से हमने इसे वॉश करने के बाद में 1 घंटे तक हमने इसे सोक करने रखना है। एक सॉस पैन में हमने पानी ऐड किया है, इसे हमने एक बॉयल लाना है। इसमें हमने 1 कप भर के सोयाबीन ऐड करने हैं। गैस की फ्लेम बंद करके हमने लिड कवर करनी है और इसे हमने 5 मिनट तक इसे ही छोड़ना है। यहाँ पे हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमें इसमें से पानी निकालना है और इसे हमने अच्छे से सोयाबीन को ड्राई करना है और इसे साइड में रखेंगे। एक प्रेशर कुकर में हमने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के घी ऐड करेंगे। 1 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी, चक्री फूल, इलायची, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा। इसे हम भुनेंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज हमने लिया है, उसे भी इसमें ऐड करेंगे। इसे भी हम भुनेंगे। 1.5 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, उसे भी ऐड करेंगे। इसे भी हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। जब तक इसकी स्मेल नहीं जाती अदरक लहसुन की, तब तक हम इसे भुनना है। एक बड़े साइज़ का हमने टमाटो लिया है, उसकी स्किन निकाली है और उसके बीज भी हमने निकाले हैं। नमक आप आपके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1.5 टेबलस्पून भर के पाव भाजी मसाला इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से इसे हम भुनेंगे। 2 टेबलस्पून भर के दही इसमें ऐड करनी है। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसे हम ऑयल अलग होने तक फ्राई करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। एक बड़े साइज़ का हमने आलू लिया है, फ्रेश मटर लिए हैं हमने 1 कप भर के, इसे हमने अच्छे से भुनना है। सोयाबीन को इसमें ऐड करेंगे, इसे भी हम अच्छे से भुनेंगे 1 मिनट तक। कसूरी मेथी 1 टीस्पून हमने ऐड करनी है। राइस जो हमने सोक करने रखे थे, उसे भी हम इसमें ऐड करेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे राइस 3 कप है तो हमने 5 कप पानी ऐड करना है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्के हाथों से नमक चेक करेंगे। नमक मिर्च आप आपके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, ये अच्छा टेस्ट देगा पुलाव को, अच्छा एक फ्लेवर भी आ जाएगा। अब हमने इसे एक बॉईल आने देना है। एक बॉईल आने के बाद में हमने इसमें 1 टीस्पून घी ऐड करनी है। प्रेशर कुकर की लीड बंद करके हमने इसे लो फ्लेम पे रख के इसे हमने 1 विसल आने तक कुक होने देना है। विसल को ठंडा होने के बाद में हमने 10 मिनट के बाद इसे ओपन किया। आप देख सकते हैं राइस हमारे कुक हो चुके हैं। धीरे से हमने इसे इस तरह से साइड में राइस इस तरह से हमने करने हैं। ये देखिए हमारे राइस बहुत ही खिले खिले बने। अगर ये राइस और भी ठंडे हो जाएंगे तो ये बहुत ही खिले खिले आपको नज़र आएंगे और आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के राइस बने हैं। आप इसे योगर्ट, रायता इसके साथ में आप इंजॉय कर सकते हैं। वेल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू।